हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ब्रेड से एक बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो बहुत ही हेल्दी है। मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा बटर यूज़ किया है, आप उसकी जगह पे तेल, घी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश की है तो मैंने थोड़ा सा बटर यूज़ किया है। और इसमें मैंने वेजिटेबल्स भी बहुत कम यूज़ किया है, आप इसमें और भी ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं जो कि हर किसी के किचन में आसानी से अवेलेबल होता है, और ये बहुत जल्दी झटपट बन भी जाता है। आप इसे सुबह, शाम या बच्चों के लंच बॉक्स में कभी भी बना सकते हो और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक कप बेसन लिया है, आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कद्दूकस किया हुआ मैंने टमाटर ले लिया है, फाइन चॉप्ड अनियन है, एक हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है, और स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पर टोमेटो सॉस लिया है। एज़ यूजल ब्रेड का नाश्ता है तो मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, एक मिक्सिंग बाउल में मैंने यहाँ पे बेसन ऐड कर लिया है, बेसन डाल दिया है इसमें। फिर इसमें मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, कद्दूकस किया हुआ टमाटर, हरा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और फाइन चॉप्ड ये हरी मिर्च भी डाल दूंगी इसमें। फिर इसमें स्पाइसेस में धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको पहले तो हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि टमाटर पेस्ट का है। आप चाहो तो इसमें टमाटर बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पहले इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। हमें इसका बहुत पतला घोल रेडी नहीं करना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही घोल रेडी करना है इसका। सो मैं इसमें कभी बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और ऐड किया है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। आप देख सकते हो कि हमारा घोल रेडी हो गया है, तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अभी ब्रेड को लेंगे, ब्रेड पे टोमेटो सॉस को अच्छे से स्प्रेड करेंगे, चारों तरफ अच्छे से टोमेटो सॉस लगा देंगे, जैसे हम बटर लगाते हैं ना वैसे ही इस अच्छे से टोमेटो सॉस को लगाना है। अब इसके ऊपर दूसरा वाला ब्रेड रख दूंगी। सॉस लगाने के बाद ब्रेड को हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम बैटर चेक करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें इसी टाइप का बैटर चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें बटर डाल दूंगी, आप इसकी जगह पे घी, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो या डीप फ्राई भी कर सकते हो आप। सो अब ब्रेड का एक टुकड़ा लेके इसमें डीप कर लूँगी अच्छे से बैटर में, फिर इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, हाई फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे अच्छे से, और कम तेल में हेल्दी नाश्ता रेडी हो जाता है। हम इसे सुबह या इवनिंग में चाय के साथ खा सकते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप भी ज़रूर ट्राई करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो मैंने इसको टर्न कर दिया, पलट के चारों तरफ सेक लेंगे इसको, बहुत ही जल्दी बनने वाला हेल्दी नाश्ता है ये। हर तरफ से इसको आप उलट पलट के सेक सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई पसंद है तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश की, इससे मैं कम बटर यूज़ किया है इसमें। आप देख सकते हो कि मेरा रेडी हो चुका है ब्रेड का एगलेस ऑमलेट, जो भी बोलो आप इसे, बहुत ही यम्मी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? आई होप अच्छी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।